इंस्टॉल कर लें, वो इंस्टॉल कर लें। लॉन्ग जंप है, लॉन्ग जंप के बारे में हम पढ़ेंगे। लॉन्ग जंप के उसकी लंबाई जो रनवे की लंबाई है 40 से 45 मीटर है, और उसमें एक होता है टेक अप बोर्ड जिसकी लंबाई 1.22 मीटर है और चौड़ाई जो है वो 20 सेंटीमीटर है। मोटाई कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। रनवे जो होता है जिसमें आपने भागना होता है वो उसकी भी चौड़ाई जो होगी वो 1.22 मीटर है। आगे है अखाड़ा जिसमें जाकर आपने गिरना है, उसकी लंबाई जो होगी वो 10 मीटर होगी और चौड़ाई जो होगी 3.75 मीटर। इसी तरह आपने एक एक बारी अपनी बारी पूरे अंदाज से बारी का तयन करना है। एक खिलाड़ी आएगा एथलीट, वो पहले दौड़ेगा और एक पांव आपने टेक अप बोर्ड पर लगाना है और उसके बाद अखाड़े में जाकर गिरना है। सर एक क्वेश्चन है, वो आप क्वेश्चन करता हूँ। अच्छा आप क्या समझते हैं कि ये जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं कॉलेजेस में या स्कूल्स में, जब हम छोटे थे या स्कूल गोइंग थे तो तब हम समझते थे कुछ स्पिरिट बहुत ज़्यादा था, तो आजकल वाकई फुकदान नहीं है क्या? आप समझते हैं बीइंग स्पोर्ट्स टीचर कि फुकदान है गेम्स का, लोगों में वो जज्बा नहीं? बिल्कुल सर फुकदान है। इसको ज़रा एक्सप्लेन करें थोड़ा, आपकी व्यू बन सर। वैसे तो आजकल जो है वो इतनी हमारे पास सोच नहीं है कि हम वसाइल नहीं है कि इसको मैनेज कर सके, ना ही लोग बच्चे जो इतने इंटरेस्टेड है एबल है, बच्चे भी नहीं इंटरेस्ट रखते हैं, और क्या कुछ बजट का भी मैनेज नहीं होता जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फुकदान हो गया है। सही है, नहीं बजट तो पहले भी कम ही होते थे लेकिन आज कल बहुत ज़्यादा है। लेकिन कोई भी प्रिंसिपल सर आपने इस दफ़ा लिया, लेकिन बहुत कम प्रिंसिपल थे जो इस बजट का मैनेज करके और इसको हैंडल कर सके। नहीं मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि हमारे स्कूलों में भी वो जज्बा नहीं था। स्कूलों में नहीं जज्बा, इसी वजह से सर कोई प्रिंसिपल या कोई भी हेडमास्टर इंटरेस्ट नहीं लेता। इसमें एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि ये जो लोग लगे हुए हैं फेसबुक पे बच्चे और गेमों पे और मोबाइल हाथ में है, और उनकी इंडोर एक्टिविटीज हैं आउटडोर एक्टिविटीज ही नहीं रही। हाँ इंडोर ही है बस, जो वो अपने फेसबुक वो जो व्हाट्सएप वगैरह पे है। चलें थैंक यू सर, थैंक यू सर। हम बात करो तो अपलोड करना।